फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुप्रिया टॉक शो। आज हम फेशियल करने वाले हैं और फेशियल हम मतलब मैं आज अपनी मम्मी का फेशियल करने वाली हूँ और ये मैं पपाया फेशियल किट से करने वाली हूँ। देखते हैं कैसे करते हैं। आज हम गुड वाइब्स का पपाया फेशियल किट यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है और मेरी मम्मी को ये ब्रांड बहुत पसंद है, तो देखते हैं कैसे करने वाले हैं। प्रोसेस वन में हम फेस पे रोज टोनर यूज करने वाले हैं, उससे फेस क्लीन करेंगे। हमने टोनर कर दिया है। अब हम स्टेप वन में, हमें ये चार प्रोसेस में करनी है, तो पहले हम स्टेप वन करेंगे। स्टेप वन में हम पहले फेस को क्लीन करेंगे, तो क्लीन करने के लिए हम थोड़ा सा हाथ में लेंगे। और उसे फेस पे लेकर हल्का सा मसाज करना है। मसाज कभी भी ऊपर की साइड लेना चाहिए। जितना मसाज करोगे उतना अच्छा होगा। हम ऐसा 10 मिनट तक मसाज करेंगे, क्योंकि जितना आप मसाज करोगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, तो थोड़ा रोज वाटर हम स्प्रे करेंगे। इससे मसाज करने में आसानी होगी और चेहरे पे और अच्छा ग्लो आएगा। हम ऐसे 5 मिनट तक करते रहेंगे। मसाज करके हमको 5 से 7 मिनट हो गए हैं। हम अभी से पानी से वॉश कर लेंगे। हमने फेस वॉश कर लिया है। अब हम स्टेप टू करने वाले हैं। इसमें हम स्क्रब करने वाले हैं फेस पर। इसे भी हम हाथ में थोड़ा सा लेंगे। इसे भी हम ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे। इसे भी हम 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही मसाज करते रहेंगे। मैंने कहा था जैसे हम मसाज करते हैं तो हमारे फेस पे इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है।
जैसे कि ये सूख रहा है तो हम अब इस पे रोज वाटर का स्प्रे करेंगे। अब हम ऐसे 5-6 मिनट तक ऐसे करते रहेंगे, मसाज करते रहेंगे। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। अंदर कोई है? हमारा स्क्रब करके हो गए 5 मिनट, अब हम फेस को वॉश करके आएंगे। हमने फेस वॉश करके ले लिया है, अब हम स्टेप 3 करने वाले हैं। इसमें हम मसाज करेंगे, प्रॉपर मसाज करना है, तो हम 10 मिनट तक तो करने वाले हैं। कम से कम 10 मिनट कीजिए आप मसाज। बहुत ही स्मूथ है क्रीम, स्मेल भी बहुत अच्छी है। चेहरे पे फर्क तो दिख रहा है, मतलब अच्छी किट है। मतलब ये अगर आपको भी चेहरे पे ग्लो चाहिए तो आप भी ना ये पपाया का फेस किट, फेसियल किट मंगाइए, बहुत ही अच्छा है। मसाज करने से हमारे फेस में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होगा, जिससे कि है ना चेहरे पे ग्लो आता है। ऐसे हम 10 मिनट तक मसाज करेंगे। हमें मसाज करके 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने फेस को वॉश करेंगे। अब मसाज कभी भी ऐसे ऊपर की तरफ करना चाहिए। हाँ, ये फिर से मैं बता दे रही हूँ आपको। अब हम फेस वॉश करके स्टेप 4 करेंगे। हमारा फेसियल का 3 प्रोसेस करके हो गया है। देखिए फेस में कितना मतलब चमक आ रहा है। मतलब बोला जाए तो ना पपाया बहुत ही अच्छा होता है। अब हम स्टेप 4 करेंगे, ये हम फेस पैक लगाएंगे। पूरे फेस पे हम एक लेयर लगाएंगे पैक। अब हम मम्मी के फेस पे पैक लगाने जा रहे हैं। फेस पे लगा देंगे।
हमारा पैक लगा के हो गया है। अब हम इसे सूखने तक के लिए छोड़ देंगे, मतलब 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, फिर देखते क्या होता है। हमारा फेस पैक सूख कर हो गया है, इसमें हमें 15 से 20 मिनट लगा है। अब हम इसे वॉश करेंगे और फिर बताते हैं क्या करना है। हमारा फेसियल करके हो गया है। देखिए आपको चेहरे में बहुत सा फर्क दिखाई दे रहा होगा, चेहरा बहुत शाइन कर रहा है। अब हम रोज वाटर लेंगे, ये टोनर है, आप वो रोज वाटर भी ले सकते हो और इसको जस्ट चेहरे पर स्प्रे करेंगे। देखो हमारा फेसियल करके हो गया है, आपको कैसा लगा आप बताना। मम्मा आप बताओ आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। लो आपको फील कैसा आ रहा था? बहुत अच्छा फील आ रहा। तो मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा आप भी बताइए। ये बहुत ही इजी है और करने में बहुत ही आसान है, और इसका रिजल्ट आपको है ना करते ही पता चल जाएगा। जैसे हम सेकंड स्टेप करते ना वैसे आपको पता चल जाएगा कि पपाया मतलब कितना अच्छा है। और इसके बाद आप अपने फेस पर कुछ भी लगा सकते हो, मेकअप भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए।